हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आगे रही चटोरी के इस एपिसोड में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक नई डिश के साथ। तो आज हम आपको ना कुछ अलग डिश बना के खिलाएंगे। डिश का मतलब है मैं सुबह का नाश्ता बना के खिलाने वाली हूँ। तो आप सब रेडी है ना? आप सब ना हमारा पूरा वीडियो ज़रूर से देखना और फिर ना लास्ट में हमें कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। खिलाने वाली हूँ पोहा। आप यही सोच रहे होंगे ना, पोहा क्या बड़ी चीज़ है? पोहा तो हम सब ने खाया है, हम सब ने अपने घरों में बनाया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप सब ने पोहा खाया है। पर आज मैं आपको स्पाइसी पोहा बना के खिलाने वाली हूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम ही खाए होंगे, क्योंकि ये दुकानों पर मतलब मार्केट में मिलता है और बहुत कम लोग घर पर इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ, मैं आज आपको स्पाइसी पोहा बना के खिलाने वाली हूँ। तो आप सब रेडी है ना? स्पाइसी पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम हमने पोहा लिया है, घर का लिया है। आप चाहो तो ये मार्केट से भी ले सकते हो। एक मैंने प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च, मूंगफली के दाने लिए हमने, लगभग 50 ग्राम है ये, हरी धनिया, एक छोटा नींबू और एक छोटा सा टमाटर। इसके साथ मैंने मसाले में लिया है सिर्फ जीरा, हल्दी, स्वादानुसार नमक। ये मैंने थोड़ी सी ली है नमकीन ऊपर से जब सर्व करेंगे डालने के लिए, और थोड़ा सा हमने लगभग 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया। आप तेल भी यूज कर सकते हो, आपको जो पसंद हो। अब हम ये जो पोहा मैंने लिया है इसको हम अच्छी तरह से 2-3 पानी ये बड़े बर्तन में डाल के धुलूंगी पानी से। कम से कम 2-3 पानी, जिससे ये अच्छी तरह से खिला खिला हो जाए। अब मैं इसको ऐसे ढाक दूंगी। हम प्याज को काट लेंगे बारीक से उसमें डालने के लिए। क्योंकि ऊपर से इसमें हम डालेंगे तो छोटा छोटा रहेगा, तो खाने में अच्छा इसका और स्वाद आएगा। इसी तरह हम टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इसका रस बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये मैंने एक पीस ही रखा है। स्पाइसी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले जो पोहा को मैंने ढक के रखा था, देखेंगे कैसा है। तो ये देखिए कितना खिला खिला हमारा पोहा है, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी, ये जितना लिए थे, और थोड़ा नमक को साथ में ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे मिक्स कर लिया है, हल्दी और स्वादानुसार इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें नमक और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम सीधा कढ़ाई में डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला हमारा पोहा है और ये चिपका भी नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं। कढ़ाई अब देखिए इसमें पानी नहीं है, आप हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए रिफाइंड ऑयल मैं डाल रही हूँ। इसके बाद हम ये मूंगफली के दाने को इसमें डाल के ना तल देते हैं। ये देखिए
लगभग ये मूंग कढ़ाई हमारी हो गई है। कितनी ये देखिए, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये जीरा है, इसको डालेंगे इसमें। देखिए कितना खिला खिला है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हो गया ये। अब हम ये हमारा जो पोहा है इसमें हम डालते हैं। सबसे पहले मैं धनिया डालूंगी इसमें। ये प्याज है जो मैंने काट के रखी है, ये डाल रही हूँ। और ये टमाटर, खट्टापन आएगा इसका स्वाद, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मूंगफली को जो मैंने फ्राई करके रखा था, ये डाल दूँगी इसमें। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके साथ एक चीज़ इसमें और पड़ेगी जो मैंने यहाँ दिखाया था सामग्री में, नींबू डालेंगे इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, नींबू का रस। मैं हरी मिर्च नहीं काटी हूँ, महीने महीने बारीक से काट के डाल देती हूँ, इससे जिसको तीखा खाने का मन हो तो तीखे का भी स्वाद आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये पोहा कितना खिला खिला और कितने एकदम से जैसे मार्केट में आपको मिलता है स्पाइसी पोहा, ऐसे ही हमने बनाया है। ये अभी गर्म है तो अभी हम इसको सर्व कर सकते हैं। और आपको हम टेस्ट करके बताते हैं, मतलब ये इसको चलते हैं टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसा बना है। इतना जल्दी बन गया, 5 मिनट भी नहीं लगे ये बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो पड़े वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पाइसी और खट्टा भी लग रहा और नमकीन सा भी लग रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ अलग डिश के साथ, कुछ चटपटी खट्टी मीठी। तब तक के लिए नमस्ते। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।